सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, हम निकल चुके हैं फाइनली पूरी जगन्नाथ मंदिर। तो गाइस, ये वीडियो मैं बना लिया था वो टाइम, और उसके बाद अभी जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसी के बाद मेरे को तो भाई कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग बनाने का, तो कोई गलती वगैरह होगा तो भाई सॉरी, एडजस्ट कर लेना। उसी के साथ हम निकल चुके हैं फाइनली पूरी जगन्नाथ मंदिर। जो भी उड़ीसा से उनको अच्छी तरह पता है भाई पूरी जगन्नाथ मंदिर क्या होता है, मतलब सबसे फेमस मंदिर है। उसी के साथ भाई सी बीच घूमेंगे, और साथ में आप सभी को बहुत ही कुछ सब कुछ दिखाऊंगा। व्लॉग को कंटिन्यू कीजिए, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, आने वाले टाइम पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलता रहेगा आप सभी को। और वीडियो को लाइक अभी तक जो भी प्रेस नहीं किया भाई लाइक कर दो। उसी के साथ हम सुबह का टाइम निकल चुके हैं फाइनली। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर रुके थे फाइनली, मतलब जो कि छोटा सा एक रेस्टोरेंट है सुबह नाश्ते करने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुके थे। तो गाइस, हम सुबह कुछ भी नहीं खाए, और मेरा तो भाई उल्टी होकर हालत पूरा खराब हो गया था। तो गाइस, यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके हैं पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा का सबसे फेमस मंदिर है, आप सभी को पता है, जो भी ओडिशा से बंदे हैं भाई उनको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ पे आप सभी सामने देख सकते हो कैमरा में, वहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे हमको ऑटो वगैरह सब कुछ मिल गया था, लेकिन हम चल के जाएंगे पैदल से, तो बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। और भाई भगवान जी के पास आ रहे, जगन्नाथ जी के पास आ रहे, तो भाई चल के जाने का मज़ा और कुछ है। तो यहाँ पे हम चल के जा रहे थे, और आप सभी को भी दिखाऊंगा भाई मंदिर किस टाइप का है। अभी जो है लॉकडाउन के वजह से बंद है, मतलब जो कि ओपन नहीं हुआ है, फिर भी गाइस वहाँ पे मतलब जो कि जो गेट है वहाँ से मतलब भगवान जी का दर्शन हम कर लिए थे। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हम दर्शन कर चुके हैं फाइनली, और भाई अंदर श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं। लॉकडाउन के वजह से ये ओपन नहीं हुआ है मंदिर, आप सभी को पता है। अगर ये मंदिर का हिस्टोरी वगैरह सब कुछ जानना है तो YouTube पे सर्च कर सकते हो पूरी जगन्नाथ टेम्पल, आप सभी को सारे के सारे डिटेल्स इस ये मंदिर के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। और भाई श्री जगन्नाथ जी को कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कैमरे के अंदर, फिर भी गाइस मतलब जो वहाँ से अंधेरा सब कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं यार मेरा कैमरा क्वालिटी बहुत ही ख़राब है शायद, तो माफ़ करना, सॉरी यार, पहला व्लॉग है बना रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना। और उसी के साथ यहाँ पर हम सब कुछ मतलब जो दर्शन वगैरह ये सब कर चुके, यहाँ से हम जाएंगे सी बीच घूमने के लिए। और यहाँ पे तो भाई पूरी श्री जगन्नाथ टेम्पल बंद है लॉकडाउन के वजह से। So I'll be there, never leaving you in the darkness.
तो गाइज वहाँ से सब कुछ घूमने के बाद फाइनली जंगल के अंदर आ चुके हैं। तो गाइज ये जंगल के अंदर हम करेंगे भाई खुद खाने का इंतज़ाम। तो गाइज सारे प्रिपरेशन करके आए थे पहले से ही सब कुछ लाकर। तो यहाँ पे सिर्फ हमको चूल्हा जो कि इकट्ठा करना है, मतलब चूल्हा खुद हम बनाए और उसके बाद हमारा जो है चालू है खाने का इंतज़ाम, जो कि लॉन्च के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पे चिकन रखा हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मतलब आप सभी को दिखाई रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे चिकन रखा हुआ है और यहाँ पे हम चिकन करेंगे और साथ में राइस और साथ में सलाद वगैरह सब कुछ कर। Never leaving you in the darkness, even
सो गाइज खाना वाना सब कुछ खत्म करके, लॉन्च वगैरह सब कुछ खत्म करके फाइनली आ चुके हैं सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क टेम्पल। तो ये मंदिर का बहुत कुछ हिस्टोरी है, अगर आपको जानना है इसका स्टोरी क्या है तो यूट्यूब पे सर्च करो, आप सभी को मिल जाएगा इसका पूरा लॉन्ग स्टोरी है। भाई क्या ही बता सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकता, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस मंदिर के बारे में जानना है तो भाई यूट्यूब पर सर्च करो, आपको सच में एक मूवी स्टाइल लगेगा, स्टोरी क्या है सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे फाइनली, अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है। सो गाइस ये मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल, इसके बारे में सब कुछ आप सभी को मिल जाएगा यूट्यूब पे, अगर यहाँ यूट्यूब पे सर्च करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है, तो क्या कर सकते भाई, कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा मतलब लो हो गया है, मेरे को पता है गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, हम जो है क्या ही बोल सकते हैं ऐसे भाई, ब्लॉग बनाते नहीं है, फिर भी गाइज आपके लिए ब्लॉग बनाना पड़ रहा है आप सभी को दिखाने के लिए, तो मेरे को अच्छा लगता है ये सब दिखाने के लिए, फिर भी गाइज क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है ब्लॉग का, तो क्या कर सकते हैं यार भाई, यूट्यूब पे तो भाई अर्निंग तो जीरो ही है, क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये बैक साइड है मंदिर का, तो ये पूरा का पूरा सब कुछ मंदिर पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही पुराना मंदिर है, ठीक है। अभी के टाइम पे ये बना मतलब जो ये नहीं बना है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, मतलब कितना है मेरे को शायद पता नहीं है, आप अगर सर्च करोगे इसके बारे में पूरा कुछ आप सभी को डिटेल्स में मिल जाएगा, लेकिन करीब 600-700 साल का पुराना मंदिर है, ठीक है, मैं अंदाज लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनली ये जो है लास्ट प्लेस है, यहाँ पे आप सभी आना चाहते हो तो आ सकते हो। सो गाइज ये प्लेस लास्ट प्लेस था और मैं पूरा थक चुका था, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, ब्लॉग को एंड भी कर नहीं सकता, मेरे को पता नहीं ब्लॉग एंड कैसे होता है, ठीक है। तो गाइज एडजस्ट कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग और भी मिलता रहेगा, हम जहाँ भी घूमने के लिए जाएंगे आप सभी को ब्लॉग मतलब बना के देंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिए, उनको भी पता चले भाई ओडिशा का ये जो प्लेस कितना अच्छा है, तो आप जब रियल में आओगे आप सभी को पता चल जाएगा कितना अच्छा प्लेस है, ठीक है।